हे गाइस, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और आज हम आए हैं गुप्ता मीट हाउस के पास, जो पुपड़ी में है। और आज हम दिखाने वाले आपको गुप्ता मीट हाउस का मटन। और यहाँ पर बहुत वैरायटी के जो हम मटन, बगेरी, चिकन, फिश, सब तरीका का, जो गोरी हो गया, सुस्ता हो गया, बहुत तरीके का आइटम मिलता है। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको गुप्ता मीट हाउस का मटन, टेस्ट करके आपको दिखलाते हैं। तो अभी जो है, अभी प्याज कटिंग हो रहा है यहाँ पर। तो देख पूछते हैं कि कितना कटिंग होता है प्याज में। प्याज कटा हुआ है, कितना कट जाता है? एक बोरा कट गया है, एक बोरा। और इसमें हाथ लगा हुआ है, ये भी कटेगा? दो बोरा कटता है, एकदम कटेगा। और मीट मतलब डेली कटना कीजिए आप? वही 40-50 हो जाता है। अभी तो 10 KG लाए हैं। अच्छा, और आपके सामने ये है, ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये कितना है अभी? 10 KG है। अभी 10 KG इसमें है। और यहाँ पर जो है मटन भी है, और ये बनने वाला अभी पूरा। कब ओपन होगा? ओपन कर देते हैं, बोलते आपको 7 बजे ओपन कर देते हैं। 7 बजे? जी जी। और इंड बंद कब होता है? बस 9 बजे रात में। 9 बजे क्या क्या आपके पास अवेलेबल है? अभी तो गर्मी है तो मटन चिकन है, ठंडी में मटन चिकन गोरी बगेरी। अच्छा, ये सब है A to Z आइटम, रोटी चावल जो आप खा चावल ना। बस आधा घंटा और लगेगा। बगेरी अभी अवेलेबल नहीं है, मटन चिकन गर्मी में बगेरी नहीं मिलता। अच्छा, गर्मी में बगेरी नहीं मिलता। इसमें क्या है? क्या अभी जो प्याज है यहाँ पर बॉइल्ड हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पर मटन रेडी होगा ना? कुकर में प्याज जो है बॉइल हुआ है, उसके बाद अभी मटन रेडी होगा उसमें। अभी दुकान जो है थोड़ा देर पहले ओपन हुआ ही, और सब लग गए अपना अपना काम में। 10 मिनट टोपिया चढ़ा दिए। अच्छा, टोपिया भी चढ़ गया। 10 मिनट में? 10 मिनट बहुत हो गया। 10 KG मटन, 10 मिनट। और टेस्ट भी आपको करके दिखलाएंगे, बताएंगे कि कैसा टेस्ट यहाँ का रहता है, तब भी ना आप लोग आइएगा। अच्छा, और मसाला अपना पिसा हुआ? अपना पिसा हुआ। तेल का क्या है? तेल भी है, हाथीपुरा ना आपको सामने चला रहा है। ये इधर अवेलेबल है? अवेलेबल है। अच्छा, कितना एक दिन में तेल लग जाता है आपका? तेल तो आपको 10 लीटर लग जाता है। 10 लीटर? हाँ, अभी बोरा में रखा हुआ है। अच्छा, और रखा हुआ है बोरा में। और यहाँ पास ऑफ एक पैकेट अभी गया, कितना जाएगा इसमें? एक पैकेट जाएगा, एक पैकेट। एक पैकेट में 10 KG मटन जो है बन जाता है। पूरा खेल तेल और मसाला का होता है, तभी उसमें जो है जान आता है मटन में। यहाँ पर तेज पट्टा गया, तेज पत्ता, मिर्चा पूरा पड़ जाएगा ये पन्नी वाला? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा, जीरा, जीरा गया ना? जीरा गया। अभी थोड़ा सा मिर्चा, अदरक, लहसुन, 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 आलू, लहसुन है इसमें, सब मिक्स है ना? डालो। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट। अगल बगल में देख सकते हैं, अभी जो है ना 10 बजे, जब 9 से 9:30 के तकरीबन होगा तो लोग भी आने लगेंगे यहाँ पर, और बहुत भीड़ रहता है यहाँ पर। पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ पर रेट इनका देख सकते हैं, और कितना पीस मिलता है, कितना प्राइज है, कितना प्राइज में कितना पीस मिलता है, कौन चीज़ का, क्या चीज़ का, सब चीज़ का इसमें है। चावल हो गया, बगेरी हो गया, गोरी हो गया, मछली हो गया, सलाद हो गया, खस्सी का मीट हो गया, सब का, मुर्गा मीट देख सकते हैं, सब का लिखा हुआ है यहाँ पर। आराम से पढ़ के आप लोग ले सकते हैं, ऐसा ना हो कि ले लीजिएगा बाद में पता चले कितना है तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये गया प्याज, गया गला हुआ, गला हुआ प्याज, प्याज गया, कश्मीरी मिर्च, ये एक पैकेट चला जाएगा, एक पैकेट जाएगा। 10 KG भैया, 10 KG। और जो गुटखा खाता है उसके लिए? जी, जो गुटखा उटका का सेवन करता है, उसके लिए आपको फ्राई में कंफर्टेबल कर देते हैं, जैसे कि प्याज टमाटर ये सब डाल के, धनिया पत्ता ये सब काट के, फ्राई अलग से, अलग से हो जाए। अच्छा, उनके लिए अलग से स्पाइसी खाएंगे, ड्राई खाएंगे, ग्रेवी खाएंगे, जैसा बोल दीजिए। हाँ, उस टाइप का आपका बन जाए। कैसा खाना है, सुस्ता खाना है, सीना खाना है, गुर्दा खाना है, वो आप सबको बता दीजिए। देखिए, गुटखा खाने वाले के लिए भी है, आराम से आप खा सकते हैं, लेकिन तीखा नहीं रहेगा। हल्दी, ये तकरीबन कितना दिए हैं आप? आपके सामने है, मतलब वो का नहीं, आप लोग का अनखा जो का ना, ये मिर्चा हर चीज़ सीक्रेट है, मिर्चा गया ये। अब जो है सब कुछ मसाला जाने के बाद अब मटन जाएगा अंदर में। ये अभी पूरा नहीं पड़ेगा, पूरा पड़ गया, थोड़ा सा पड़ने के बाद अभी देख सकते हैं पूरा पड़ गया ये,
प्याज जो बॉइल्ड था गला हुआ वो थोड़ा सा पानी, कुकर भी बड़ा है, कितना होगा ये? 18 लीटर है, बड़ा लेना हो 18 लीटर इससे बड़ा लेना है। अच्छा ये मटन देखिए, अब ये मटन जाएगा। अच्छा इसमें सब है ना, चुस्ता लड़ तिल्ली जो भी है। एक बार जो यहाँ पर देखते हैं पानी में जो है इसको भिगो दिया है। और क्या डाले आप? चरगोदा, ये देखिए पूरा जा रहा है। आज तो काफी लेट हो गया, नहीं तो अब तक तो रेडी हो गए हो चुका था। आज पूरा लेट हो गए हैं भैया। ये हो गया चुस्ता, चुस्ता देखिए चुस्ता जा रहा है अभी। ये हुआ चुस्ता, ए टू जेड रेडी है। 10 मिनट और भुनेंगे, अच्छा तो 10 मिनट हम रुक जाते हैं और 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। अच्छा इसमें हो गया, अब धनिया पत्ता पड़ेगा उसके बाद रेडी। अभी 10 मिनट रुक जाते हैं उसके बाद मटन भी टेस्ट करेंगे। ये जो है चुका हुआ है, अब इसमें पानी डालेंगे दो जग, बस पानी जा रहा है दो जग। ये कितना लीटर का है देख लीजिए। अच्छा ये बड़ा वाला से दो जग पानी चला गया बस। तो और ये दूसरे राउंड का प्याज जा रहा है ना, ये 20 केजी प्याज है। 20 केजी, ये 20 केजी प्याज है जो दूसरे राउंड में जो मटन बनेगा उसके लिए है। तो फिलहाल अभी जो है 10 मिनट में बोले थे तो रेडी हो चुका है मटन। तो ये देखिए बन के एकदम रेडी है, थोड़ा सा हो गया दिल्ली हो गया जो भी खा सकते हैं। ठीक है पूरा रेडी हो चुका है, सब रंग का इसमें पीस से आराम से आप लोग जो जो पीस खाने का मन हो। सीना हो गया ना, और ये भी सीना हो गया, ये कलेजी हो गया, बट हो गया, दिल गुर्दा हो गया, जो आप खा लीजिए पूरा इसमें है, आप कुछ भी खा सकते हैं। तभी हम लोग का जो है प्लेट अभी रेडी हो रहा है। और इसमें क्यों फ्राई किए हैं? इसमें जैसे ठंडा हो जाता है तो इसमें से भी दे सकते थे। तो हम लोग का प्लेट अभी रेडी हो गया, अभी चलते हैं और टेस्ट करके आपको बतलाते हैं। आइए हम लोग भी खाते हैं क्या? हम लोग भी खाते हैं, तीन टाइम खाते हैं हम लोग। तीन टाइम क्या क्या इसमें पसंद है? हम लोग को ये खटा गुदा वाला पीस पसंद है, बाकी लोगों को सब पीस पसंद आता है जो खा ले। मेन आप मेन तो बट करेजी चिल्ली चुस्ता ये सब हुआ, लेकिन खाने वाले लोग कांटा वाला सीना वाला ये सब खाते हैं, जिनको जो पसंद आते वो खाते हैं। आसान ही खाते हैं, तीन टाइम खाते हैं। और तो बहुत पुराना स्टाफ है, सबसे पुराना स्टाफ है दुकान का। और यहाँ पर जो है मटन देख सकते हैं 3 प्लेट, और अभी गर्म है, अभी जस्ट यहाँ पर जो उतरा है। और यहाँ पर एक सलाद भी है 2 पीस, ये 3 पीस हो गया। और ये एक ये क्या है? ये लड़। और ये चावल है, तो अभी खा के टेस्ट करके आपको बताते हैं। देखिए अभी ग्रेवी ऊपर से आया है और ये भी अभी गर्म है एकदम। ये भी बहुत गर्म है भाई, अच्छा है। तो एक बार आप लोग यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए और यहाँ का मटन खा के देखिए। देखिए यहाँ पर जो अभी का सीजन है ना, यहाँ पर जो बगेरी वगेरी मांगेगा तो वो अभी नहीं बनता यहाँ पर, मतलब सीजन के हिसाब से। तो फिलहाल आप लोग भी एक बार विजिट कीजिए और यहाँ का मटन जो है ना टेस्ट करके देखिए, अगर नहीं अच्छा लगा एक बार ज़रूर आप लोग विजिट कीजिए। नया हो चैनल पर तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।